मैं सच्ची में इस मूवी के लिए एक्साइटेड नहीं था, क्योंकि कुछ ना कुछ इस फिल्म के साथ हो ही रहा था। कई सेट पे प्रॉब्लम्स हो रही थी तो कई पे फिल्म के स्टार कास्ट के साथ कंट्रोवर्सी हो रही थी, एंड शूटिंग के वक्त भी कई सारे प्रॉब्लम्स खड़े हुए थे। तो मुझे लगा कि इतना सब कुछ होने के बाद अब फिल्म बनानी है, उस चक्कर में कुछ भी ना बना दे, लेकिन मैं गलत था। उन लोगों ने खास करके डायरेक्टर की तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि ट्रेलर देख के पता चल रहा है कि मूवी मस्त होने वाली है, जिसमें कूल VFX, एक्शन, ड्रामा, इमोशंस एंड कई सारे नए कैरेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे। तो सैन डिएगो कॉमिक कॉन में ट्रेलर वहाँ भी एंड यूट्यूब पर भी एक साथ रिलीज कर दिया था, एंड फिल्म के डायरेक्टर फिल्मिंग करते वक्त चैडविक बॉसमैन सर को भी याद करते थे, एंड वो मेमोरी शेयर करते टाइम थोड़ा इमोशनल हो गए थे, एंड उन्होंने ये भी बोला कि मूवी में थोड़ा वो इमोशनल एंगल भी है, जो कि ट्रेलर देख के पता चल ही रहा है, एंड ये एक ट्रिब्यूट फिल्म होगी। तो ट्रेलर के ही स्टार्टिंग में जो बैकग्राउंड सॉन्ग बजता है वो बॉब मार्ली का नो वुमेन नो क्राई है, जो कि आप यूट्यूब पे जाके सुन सकते हो। एंड मैं और भी ज़्यादा एक्साइटेड तब हुआ जब नेमोर दिखा। वो कॉमिक बुक की तरह यहाँ भी एज एंटी विलन ही दिख रहा है, जो कि कॉमिक में एटलांटियस से बिलोंग करता है, एंड वो एक सब मेरिनर भी है। ट्रेलर में नेमोर का जन्म होता भी दिख रहा है, तो मैं श्योर हूँ कि उसकी ओरिजिन भी दिखने को मिलेगी, एंड उसकी सुपर पावर बिल्कुल सेम है एक्वामैन से, जो कि पूरी तरह से ह्यूमन तो नहीं है, लेकिन कॉमिक वर्ल्ड में नेमोर की एंट्री पहले हुई थी। तो मैं बता दूं कि ऐसे कई सारे सुपर हीरो है जो कि मार्वल एंड DC ने एक दूसरे से इंस्पायर होकर क्रिएट किए। फिर ब्लैक पैंथर एंड सूरी की मम्मी रमंडा थ्रोन पे बैठती है, तो ये सीधी सी बात है कि जब तक अगला ब्लैक पैंथर नहीं मिलता तब तक वो ही सब कुछ मैनेज करेगी, एंड कई सारे इमोशनल सीन भी देखने को मिलते हैं। एंड ये शायद फ्यूनरल का सीन है। अगले सीन में कुछ लोगों ने वकंडा पे अटैक किया है, एंड वो लोग जबरदस्ती करते हुए भी दिख रहे हैं। फिर जो वकंडा का थ्रोन हॉल है उसमें चारों ओर पानी है, एंड वहाँ पे आग भी लगी है। तो सीधी सी बात है कि ये सीन शायद कनेक्ट करता है एटलांटियस एंड नेमोल से। फिर एंट्री होती है रीरी विलियम्स की, तो ये तो कन्फर्म हो गया है कि वो अपनी सीरीज आयरन हार्ट से पहले इस मूवी में दिखेगी, जिसमें वो अपना सूट बना रही है। एंड बता दूं कि ऐसे ही सेम आयरन मैन ने भी अपने लिए पहली बार सूट बनाया था, जो कि वो अभी वकंडा में है, तो ये शायद वाइब्रेनियम का सूट हो सकता है। एंड आपने एक बात नोटिस की, वो सूट खुद से बना रही है, ना ही टेक्नोलॉजी से, एंड उसने कट करके हार्ट जैसा भी शेप दिया है, जो कि आयरन हार्ट की सीरीज के लोगों में भी सेम दिखता है। फिर रमोंडा एक मीटिंग में भी दिखाई जाती है। फिर एटलांटियस एंड वकंडा के बीच में भी फाइट सीक्वेंस देखने को मिल रहा है। फिर एटलांटियस ने जमीन पर आने के लिए मास्क पहना है ताकि वो सांस ले सके, लेकिन ऐसा नेमोर के साथ बिल्कुल नहीं है। फिर थ्रोन का भी एक छोटा सा लुक मिलता है। फिर मेन शॉट, जो कि मैं टीजर में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, न्यू ब्लैक पैंथर, जो कि शायद किलमोंगर हो सकता है, एंड रूमर्स की माने तो ये शायद सूरी भी हो सकती है, लेकिन अब ये तो आगे जाके ही पता चलेगा। ये शायद फिल्म का लास्ट फाइट सीक्वेंस भी हो सकता है, इसलिए डेफिनेटली मार्वल वाले ने बहुत कुछ एडिट किया होगा। देखो पहले का पता नहीं, लेकिन अभी मैं इस फिल्म के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, जो कि लग रहा है कि वो लोग कोई नॉर्मल स्टोरी नहीं दिखाने वाले। तो बस गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना, कमेंट कर देना अपना ओपिनियन, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलता है बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय।